तो हेलो दोस्तों, तेजस हियर। डू यू नो किस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को रीबूट या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो जो भी आपके स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फिर फेस अनलॉक है वो काम नहीं करता है। और दोस्तों, ऐसे में एक सवाल जो हम सभी के मन में आता है वो है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है या फिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल कभी आया है या फिर आता है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमारे फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर हमारे फेस अनलॉक का रीबूट के बाद वर्क नहीं करने का मेन कारण है हमारे स्मार्टफोन का डिज़ाइन। जितने भी नए स्मार्टफोन होते हैं इनका जो बेसिक डिज़ाइन होता है वो पुराने स्मार्टफोन को ही डेवलप करके बनाया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो पुराने स्मार्टफोन होते थे उनमें ना ही फिंगरप्रिंट स्कैनर होता था, ना ही फेस आईडी होता था। और ऐसे में दोस्तों वहाँ पे यूज़ होता था पिन या फिर पैटर्न का, जिसकी मदद से हम अपने स्मार्टफोन को सिक्योर रखते थे। और दोस्तों, शुरुआत के दिनों में जब हमारे स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉक जैसे फीचर्स आए थे तो ये उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे और ऐसे में ये कभी भी फेल हो सकते थे और कई बार ये खराब भी हो जाते थे। और इसी कारण से इन सारे फीचर्स के आ जाने के बावजूद जो हमारे स्मार्टफोन का मेन सिक्योरिटी सिस्टम था वो था उनका पिन या फिर पैटर्न। एंड दोस्तों, यही सिस्टम डेवलप होते होते हमारे तक पहुंचा है और ऐसे में ये जो बेसिक डिज़ाइन है उस सिक्योरिटी सिस्टम का ये अभी तक नहीं बदला है। लेकिन दोस्तों, अब जो हमारे स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फिर हमारे स्मार्टफोन का जो फेस अनलॉक है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और ऐसे में अगर हम चाहें तो इसे अपने प्राइमरी सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि मेन सिक्योरिटी सिस्टम के तरह यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर कंपनीज चाहे तो इसे चेंज कर भी सकती है, जहाँ पे वो बना सकती है हमारे फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर को हमारा मेन सिक्योरिटी सिस्टम। और दोस्तों, यहाँ पे तीन ऐसे कारण हैं जिनके वजह से कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कारण है सिक्योरिटी। तो दोस्तों, अगर हम अपने स्मार्टफोन में अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉक को यूज़ करते हैं हमारे प्राइमरी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे होगा ये कि अगर कोई भी चाहे तो हमारे स्मार्टफोन को फोर्सफुली हमसे ओपन करवा सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसे में हम बियोस हैं या सोए हुए हैं या फिर तो भी हमारे स्मार्टफोन को ओपन करवाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने स्मार्टफोन में पिन या फिर पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो ऐसे में अगर कोई हमारे स्मार्टफोन को हमसे फोर्सफुली ओपन करवाना चाहे भी तो वो हमें कुछ डैमेज नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसे में हमारे स्मार्टफोन को ओपन करने के लिए हमारा अच्छी हालत में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड कारण है हमें हमारे पासवर्ड को याद दिलाना। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन दोस्तों ये एक फैक्ट है। अगर दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को ही प्राइमरी सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है हम अपने पासवर्ड को भूल जाएं और ऐसे में कभी ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी बन सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कारण है वो सबसे ज़्यादा अजीब है और वो है वर्क यानी कि काम। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करे और उसमें लाए फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस अनलॉक को एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी सिस्टम, तो उसे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी सिस्टम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस कंपनी को करनी पड़ेगी। और वो भी उस छोटे से प्रॉब्लम के लिए जिसे शायद ही कोई नोटिस करता है, और अगर कोई नोटिस करता भी है तो वो बहुत लंबे लंबे टाइम गैप के बाद नोटिस करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपके काम आए और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगी है लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑन। और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और इतना कर ही रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।